हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू द होलोस्फीयर। एक इनसाइड पॉइंट ले लेते हैं, एक आउटसाइड पॉइंट ले लेते हैं। दोनों पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे जब हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक होलोस्फीयर पे। सो होलोस्फीयर के केसेस हमने ऑलरेडी देखे हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉज़ेस लॉ वाली वीडियो देखी है, हमने सेकेंड वीडियो भी देखी है जहाँ पर हमने होलोस्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करी थी, इनसाइड पॉइंट पे भी आउटसाइड पॉइंट पे भी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, वो मैं रिपीट नहीं करने जा रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू जीरो जब R है लेस देन R। सो इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जाती है। इसका रीजन भी बताया था, क्योंकि सारे चार्ज बाउंड्री पे मूव कर जाते हैं, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। एट आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए आर, राइट। सो ये पॉइंट हमारा बी है जो आउटसाइड पॉइंट है, राइट। सो आउटसाइड पॉइंट के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ ले लिया है, डिस्टेंस वेक्टर ले लिया है डीएल, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डी आर ए आर से, राइट। सो अब हमें पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालनी है। पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या था, हम क्या करते थे, एक टेस्ट चार्ज को लेते थे, इन्फिनिटी से मूव कराते थे पर्टिकुलर पॉइंट तक, वर्क डन निकालते थे, उसे फिर टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते थे। एक फॉर्मूला तो ये था। सेकेंड फार्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से भी स्टडी करा था। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वी ए भी क्या होता था, वी बी माइनस वी ए, और इट विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एल। तो ये था हमारा सेकेंड फॉर्मूला वी ए बी का, राइट। सो वी ए बी का फॉर्मूले में अगर हम वी ए को इन्फिनिटी पे ले लें, इन्फिनिटी पे कोई भी पॉइंट या कोई भी चार्ज रखा है तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। सो वी ए बी क्या हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा वी बी माइनस जीरो, जो कि हो जाएगा वी बी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ना रहकर पोटेंशियल हो गया है, सो वी ए बी हो गया है वी बी। तो अब मेरे को जहाँ पे भी वी ए बी रिप्रेजेंट करना होगा मैं डायरेक्टली वी बी ही रिप्रेजेंट कर दूंगी, जो कि हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एल, राइट। सो अब हमें ई पता है, हमें डी एल पता है, इसके लिए लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा भी देख लेते हैं। लैम्डा हो जाएगा क्यू अपॉन टू पाए आर, राइट। सो जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, हमने पॉइंट बी का डिस्टेंस ले लिया है कैपिटल एल, राइट। सो इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगी, ए कितनी डिस्टेंस पर है, इन्फिनिटी। सो वी बी हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर हम बी तक ला रहे हैं, यहाँ पर माइनस साइन भी है, बी कितने डिस्टेंस पर है उसे एल तक। ई की वैल्यू क्या है, क्योंकि पॉइंट ए भी आउटसाइड है पॉइंट बी भी आउटसाइड पॉइंट है, ई का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। ई हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए आर, डी एल डॉट प्रोडक्ट करेंगे डी एल के साथ, डी एल क्या था, डी आर ए आर। ए आर और ए आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए आर और ए आर का डॉट प्रोडक्ट हमें पता है वन हो जाता है। सो इसे इंटीग्रेशन लिख सकते हैं माइनस, यहाँ माइनस साइन इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, वी बी निकालेंगे, के कांस्टेंट है क्यू भी कांस्टेंट है, तो माइनस के क्यू आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एल वन अपॉन आर डी आर, यहाँ आर स्क्वायर। सो वी बी आ गया माइनस के क्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एल वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर। सो इसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हमें पता है माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन आर स्क्वायर होता है माइनस वन अपॉन आर, लिमिट्स हैं इन्फिनिटी से लेकर एल तक। सो ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास क्या बचेगा, वी बी हो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एल। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, के क्यू वन अपॉन एल माइनस, ऐसे ही लिखते हैं के क्यू वन अपॉन एल माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ये तो जीरो हो जाता है। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन कैपिटल एल, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा वी बी, और के की वैल्यू डाल दिया तो क्यू अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट कैपिटल एल, राइट। तो ऐसे हमने पोटेंशियल निकाल लिया एट द आउटसाइड पॉइंट। अब आ जाते हैं इसी पॉइंट को हम इनसाइड ले लेते हैं। सो अब इस केस में क्या होगा, वी ए भी होगा वी बी माइनस वी ए, ए को हमने फिर से इन्फिनिटी पे अज्यूम करा है, सो वी ए हो जाएगा जीरो, सो वी ए भी हो जाएगा वी बी, वी बी हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस
माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एल. बट हमने देखा ये ए पॉइंट है जो आउटसाइड पॉइंट है, बी पॉइंट है इनसाइड पॉइंट है. ए से लेकर सी तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रहेगी, सी से लेकर बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रहेगी. सो इसको हम इंटीग्रेशन लिमिट को कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए से लेकर सी तक ई डॉट डी एल. राइट, ए से लेकर हमें सी तक मूव करना है, फिर माइनस सी से लेकर बी तक ई डॉट डी एल. पहले हम ए से लेकर सी तक का इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर सी से लेकर बी तक का इंटीग्रेशन निकालेंगे. सो वी बी हो जाएगा इस केस में, वी बी हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन. ए क्या है, पॉइंट इन्फिनिटी, और सी क्या है, पॉइंट, सी पॉइंट है हमारा रेडियस पर. सो रेडियस है हमारी इसकी कैपिटल आर. सो कैपिटल आर तक हम मूव करें और ई की वैल्यू रहेगी ये. सो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए आर. राइट, डॉट डी एल, डी एल हमारा डी आर ए आर. राइट, माइनस सी से बी तक जाते हैं, सी से लेकर बी तक गए, ई की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो ए आर डॉट डी आर ए आर. तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई, जीरो हो गई, जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो ही रहेगा. राइट, सो अब यहाँ पर वी बी को कैसे लिखेंगे, इन्फिनिटी से लेकर आर तक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए आर डॉट ए आर. हमें पता है वन होता है. आई होप आपको सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से आते हैं. सो यहाँ पर सिर्फ बचेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर. ये तो सेम ही इंटीग्रेशन हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना आता है, के क्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पर माइनस साइन भी था, डोंट फॉरगेट द माइनस साइन. सो वी बी क्या हो जाएगा, वी बी इस केस में हो जाएगा माइनस के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन आर. सो ये के क्यू हो जाएगा अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन इन्फिनिटी. सो के क्यू अपॉन इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा, सो के क्यू अपॉन कैपिटल आर बचेगा बस. राइट, सो ये हो गया हमारा वी बी. वी बी अब हमें पता लग गया इनसाइड केस में हमारा रहता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर. अगर सी पॉइंट में भी निकालते तो हमारा के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही आता, जिसे हम लिख सकते थे क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर. राइट, सो हमने देखा जब हम सी पॉइंट पर आए तो हमारा पोटेंशियल था क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और जैसे ही हम स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर गए तो हमारा पोटेंशियल सेम ही है. तो हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, मतलब इस पॉइंट्स पर हमें चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क डन नहीं लगेगा. अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन पर. अगर हमारे पास यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर है, राइट, ये मैंने हॉलो स्फीयर बना दिया है, तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है 2R. राइट, टू कैपिटल आर. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और हमारा पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं सबसे पहले. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, आर जब भी लेस देन आर था तो जीरो था, तो मतलब यहां पर तो ये जीरो रहेगा. आर जब ग्रेटर देन आर था तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ गई जो हमारी आर के साथ डिक्रीज होती जा रही है. सो यहाँ पर ऐसे डिक्रीज करेगा ये. राइट, सो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का. अब देखते हैं पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन. पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं. इनसाइड पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर स्क्वायर से. राइट, सो अब यहाँ पर पोटेंशियल है के क्यू अपॉन आर. राइट, और यहाँ पर है के क्यू अपॉन एल. सो यहाँ पर इन्वर्सली डिक्रीज तो कर रही है, बट डिक्रीज उतना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था,
यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r. सो v है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r. सो डिक्रीज तो होगा बट उतना डिक्रीज नहीं होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही थी, राइट. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है. आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से डिक्रीज कर रही है बट पोटेंशियल 1/r से डिक्रीज कर रही है. सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी. अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. आई विल बी ट्राइंग टू रिप्लाई योर डाउट एज सून एज पॉसिबल. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. अगर सेशन पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. थैंक यू सो मच.